आरक्षण देने की बात कह दी, क्या आपको लगता है ये न्यायालय में टिक पाएगा? तो बाकी जो आरक्षण आपने दिया फिर वो प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं है? दलितों और पिछड़ों का आरक्षण प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं है? और फिर क्या प्राइवेट कंपनियां इसका विरोध करने नहीं जाएंगी? क्या प्राइवेट सेक्टर में विरोध की बात जब कोर्ट में आएगी तो क्या कोर्ट सरकार के साथ सहमत हो पाएगी क्या? तो मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं, जो मेरी जानकारी है आरएसएस के लोगों से बातचीत करने के आधार पर मैं इस बात को कह रहा हूं, दरअसल दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खत्म करने की एक कोशिश है। जो जाति आधार पर आरक्षण मिला है, सामाजिक आधार पर आरक्षण मिला है, उस आरक्षण को आर्थिक आधार में बनाने की, तब्दील करने की ये कोशिश के तहत, एक गलत मंशा के तहत, सवर्णों को कोई लाभ देने के लिए नहीं बल्कि दलितों पिछड़ों का आरक्षण खत्म करने के लिए ये बिल लाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इतनी बात कहना था। जो भी प्रश्न आपका हो आप पूछ सकते हैं, सीबीआई से मतलब। अच्छा, अखिलेश जी भी कुछ बात कहना चाहते हैं, हमारे विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी जी, इनके क्षेत्र का कुछ मामला है, वो अपनी बात।